Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेम्स भांड। हमें दोपहर के 2:30 बजे पता चला कि नोएडा में एक ऐसी कंपनी है जहां नौकरी करने से ज्यादा छोड़ने के फायदे हैं। यहां एम्प्लॉय नौकरी करने नहीं बल्कि छोड़ने के लिए जाते हैं। फेयरवेल फीस नाम की इस कंपनी में छोड़ छोड़ौवल बहुत शानदार चल रहा था कि एक मेल से हड़कंप मच गया। बताते हैं कि ये मेल एचआर की तरफ से नहीं आया था बल्कि एम्प्लॉयज ने एचआर को भेजा था। क्या है मामला, आइए विस्तार से जानते हैं फेक इट इंडिया के रिपोर्टर बकचोनहर भसूड़े से। घर से बढ़ती देखिए, आज दोपहर 1:15 बजे मैं मेट्रो में उल्टा मुंह करके सफर कर रहा था, तभी एक लड़की की आवाज मेरे नाक से टकराई। वो अपनी फ्रेंड से कह रही थी, यार कंपनी वाले तो चिल्लर में सैलरी देते हैं, ऊपर से कभी फेयरवेल तो कभी पार्टी के नाम पर चंदा उगाही कर जिंदगी को उधार पर डाल देते। प्रेमी से पैसे लेकर घर चलाना पड़ता है, मजबूरी में 4 प्रेमी पालने पड़ रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई है नौकरी करके। जेम्स सर, उस वक्त तो हमने ये बात सुनकर अपना मुंह बंद कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कर्मचारियों के दौरे पड़े तब हमसे रहा नहीं गया। हमने मेट्रो वाली लड़कियों को जलती बीड़ी की रोशनी में बहुत मुश्किल से ढूंढा, उन्होंने मुझे ये बात। सर, हमको टीवी पर आने का मौका देने के लिए आपको बधाई और हमको धन्यवाद। सर, कंपनी हमें सैलरी के नाम पर झुंझुना थमाती है, सैलरी का मैसेज आते ही पार्टी के नाम पर वसूली शुरू हो जाती है। हमारी जिंदगी प्रेमियों के सहारे चल रही है, नहीं तो हम तो कब के भुखमरी के शिकार हो गए होते। आज के समय में 4-4 प्रेमी रखना आसान नहीं है सर, घबराहट होती है, सांस फूलती है। नहीं नहीं, हमको नया कपड़ा चाहिए। अरे दशहरा में ले लेना बाबू। नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए। अरे डकैती करके लाए अभी? हाँ, लेके आओ, अभी लाओ, लेके आओ, लाओ 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 लाओ। तो चल तू अभी। ए भैया, ऐसा कपड़ा सी दीजिए कि दशहरा वा स्कूल दोनों में चल जाए। हमारा डिजाइन वाला लेना था ऑनलाइन, मुझे कल ना अपने भैया। अरे तो शर्ट वो पैर बदने से पहनेगा। अरे तोरा लगी डिजाइनर शर्ट सिलवावल जा रहे जा। 15, चलिए दशहरा से पहले मिल जाएगा। भाग साला चले, अब हम अपन हिसाब से शॉपिंग करेगी। अरे कहने जा नहीं रहा था, गिर कर लिए रे। अरे अब गिर होता है पड़ो। आपकी कंपनी करती क्या है? सर, हमारी कंपनी फेयरवेल और पार्टी किस बहाने से करें इसकी ट्रेनिंग देती है। अक्सर फेयरवेल या पार्टी ऑर्गेनाइज कराती है। आपने कंपनी ज्वाइन की तो ज्वाइनिंग पार्टी, और आपने कंपनी छोड़ दी तो फेयरवेल पार्टी। दरअसल जॉब ज्वाइनिंग पार्टी में केवल एक समोसा, एक कटलेट और चाय मिलती है, जबकि जॉब छोड़ते समय सैलरी से ज्यादा कीमत के फेयरवेल गिफ्ट मिल जाते हैं। समोसा और कटलेट बोनस में मिलता है। हमारी सहेली 7 बार यहाँ से नौकरी छोड़ चुकी है, आज उसके पास ढेर सारे गिफ्ट्स हैं। हमारे पास क्या है, हैं? कंपनी के कुल 13 में से 9 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनके एनुअल पैकेज से ज्यादा उनका फेयरवेल बजट है। इसमें से 5 लड़के हैं जिनके पास प्रेमिका पालने का मौका भी नहीं है, ये उधार के सहारे जीते हैं। उनके घर वाले नौकरी छोड़कर घर आने का दबाव बना रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे वहाँ खर्च चला रहे हो, यहाँ भी चला लेंगे। परंतु वो 5ों इतने खुद्दार हैं कि घर से पैसे लेकर हमारी कंपनी में नौकरी करते हैं। कोई बेरोजगार होकर घर वापस जाना नहीं चाहता है। 10 रुपए की चाय है, 300 निकलती है दिन की कम से कम। 3,000 रुपए और महीने के 90,000। मजे हैं भाई। भाई अपनी कोचिंग में कितने बच्चे हैं? कम से कम 500। 500? एक बच्चे की फीस कितनी है? 500 रुपए। महीने के कितने हुए? महीने के बहुत ज्यादा हो, जोड़ नहीं पाया अभी। अंधा पैसा कमा रहा है। इस महीने पूरी सैलरी आई तो कर्मचारी ठीक से हैरान भी नहीं हो पाए थे कि टक से एक मेल गिर गया। अब मेल में लिखा था कि पहली बार पूरी सैलरी मिलने की खुशी में पार्टी करते हैं। बात यहीं तक रुक जाती तो गनीमत थी। हुआ ये कि तीसरे दिन एक और मेल गिरा, उसमें लिखा था कि भगवान ने हमें पहली बार पूरी सैलरी मिलने की पार्टी करने का सौभाग्य दिया है। इस खुशी में एक पार्टी और बनती है। इसी मेल ने सारा खेल खराब कर दिया और 13 में से 9 एम्प्लॉयज ने नौकरी छोड़ दी। इसमें वो 5 खुद्दार लड़के भी शामिल हैं। अब बाकी 4 बचे एम्प्लॉयज को दौरे पड़ रहे हैं, अब उन्हीं को 9 लोगों के फेयरवेल का खर्चा उठाना पड़ जाएगा। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है।
देखिए हमारी कंपनी गीता के उपदेशों पर चलती है कि एम्प्लॉय तो शरीर की तरह आने जाने वाले हैं, इंटर्न ही आत्मा की तरह अजर अमर हैं, जो मुफ्त में काम भी करते हैं और एहसान तले दबे भी रहते हैं। बड़ी बात है कि वो सैलरी मांगने जैसा कोई पाप भी नहीं करते। एम्प्लॉय क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा कंपनी से।